जी, मेरा नाम रितिका है और मैं क्राफ्टेज की फाउंडर हूँ। क्राफ्टेज में हैंडीक्राफ्ट नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्राफ्ट से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें मेनली कैंडल्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है, मधुबनी पेंटिंग, मंडाला, स्ट्रिंग आर्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। जी, हम लोग की मोमबत्ती जो खासियत ये है उसमें कि हम लोग सोए वैक्स से बनाते हैं, जो कि प्रॉपर वेजिटेबल वैक्स है, जिससे पॉल्यूशन या फिर किसी तरह का कोई हार्म नहीं होता है। इस कारण हम लोग का जो कैंडल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अभी पटना में पॉपुलर हुआ है, अब धीरे धीरे बाहर में भी पॉपुलर हो रहा है। जी देखिए, जैसे कि अभी स्वीट्स कैंडल का मेन प्रचलन है, तो ये स्वीट कैंडल में लड्डू का आता है, फिर ये बर्फ़ी है, नारियल लड्डू है, अलग अलग तरह के स्वीट्स हम लोग अभी इस बार बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल लुक में हम लोग दे सकें। बाकी उसके अलावा हम लोग के पास में और तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो क्रिसमस के टाइम के लिए सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, फिर जो चर्च वगैरह में जाता है तो चर्च के लिए हम लोग के पास में टेपर कैंडल है। अलग अलग तरह के कैंडल्स आते हैं, जैसे अब जो डेजर्ट कैंडल्स हुए उसमें केक हो गए, या फिर इस टाइप के पाई जो बनते हैं मैपल पाई, उस तरह के हम लोग कैंडल्स बना रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इस मौके पर अगर आप बिजनेस के जरिए मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में दिवाली के मौके पर कई ऐसे बिजनेस हैं जिसे शुरू कर सकते हैं, बेहद कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है पटना की रहने वाली रितिका की। छोटी सी उम्र से ही रितिका को रंगों से मोहब्बत हो गई थी। पेंटिंग और आर्ट क्राफ्ट से ऐसी दोस्ती हुई कि बस इसी क्षेत्र में करियर बनाने की ठानी। लेकिन इसी दौरान रितिका की शादी कर दी गई। शादी के बाद यह सपना दफन ही होने वाला था, इसी बीच दुनिया थम सी गई, यानी कि लॉकडाउन लग गया। इस दौरान मात्र 10,000 की लागत से रितिका ने बिना किसी को बताए अपने हुनर से मोमबत्ती को नया रंग दे दिया। पति एवं घर वालों का साथ मिला और आज रितिका अपनी हुनर के बदौलत ऐसी उड़ान भरी कि बाकी महिलाओं के लिए मसाल बन गई। रितिका बताती है कि यही वो पल था जब मुझे लगा कि इस क्षेत्र में मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ। पेंटिंग के साथ साथ रितिका ने कैंडल मेकिंग का काम शुरू, या अलग अलग डिजाइन की सुगंधित मोमबत्तियाँ बनाती है। रितिका बताती है कि हर माह अपने बिजनेस में 1,00,000 का निवेश कर वो 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेती है। रितिका सिर्फ कैंडल की बिक्री ही नहीं बल्कि बाकी महिलाओं को बनाना भी सिखाती है और उनको ट्रेनिंग देती है। जी, ये सफ़र की शुरुआत कोविड के टाइम में हुई थी, जिस टाइम हम अपना बाकी दूसरा बिजनेस छोड़ के फिर कोविड में बंद हुआ तो हम अपना बैठे हुए थे, उस टाइम हम कैंडल का स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम दिवाली नज़दीक था, तो सोचे उस टाइम क्या ऐसा स्टार्ट करें जो नया बिजनेस बूम भी कर जाए और आसान भी हो। लेकिन जब कैंडल का स्टार्ट किए तो पहले तो लगा काफ़ी आसान है, लेकिन आसान सही में है नहीं, थोड़ा इसमें क्योंकि सोया वैक्स का है तो उसको हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो लेकिन धीरे धीरे करने के बाद ये सही हो गया और आज हम लोग यहाँ पे हैं। जी, जैसे जिस टाइम हम अपना कैंडल जब स्टार्ट किए तो सबसे पहले बनाने आसान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन मुश्किल होता है कि सेल कैसे करें, और एज़ पर लेडी होना कि कैसे सेल करेंगे, तो ये हम PwC के पास में वहाँ पे स्टॉल लगाए थे अपना, काफ़ी झिझक हुआ कि कैसे अपना स्टॉल और वहाँ पे जाके कैसे हम सबके सामने में सेल करेंगे, इस कारण काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब झिझक को दूर करके हम अपना वहाँ जाके स्टॉल लगाए थे, फैमिली सपोर्ट रहा तो उसके बाद हम अपना जाके फर्स्ट स्टॉल वहाँ पे लगाए थे। जब हम फर्स्ट स्टॉल लगाए थे तो अप्रॉक्स 9,000 से 10,000 के बीच, मतलब उसी के बीच में हम स्टार्ट अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था वो लगाए थे।